बिहार में स्वास्थ्य समस्याएं इतनी ज्यादा हैं, हम मजबूर हैं। लैटरिन के रास्ते खून गिरा भारत में 12% महिलाएं ही पैड का इस्तेमाल करती है, यानी कि 88% महिलाएं पैड नहीं यूज करती, और 70% महिलाओं में जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन है या फिर ल्यूकोरिया या फंगल इन्फेक्शन है, वो मेनली अनहाइजीनिक प्रैक्टिसेस जो वो मेंस्ट्रुएशन के टाइम करती हैं, इस वजह से होती है। 83 to 87% महिलाओं को गरीबी रेखा के नीचे, हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग रहते हैं, उनके पास उपलब्धता नहीं है चीज़ों की, जानकारी का अभाव है। बहुत सारे लोग को तो सैनिटरी पैड नामक चीज के बारे में भी नहीं पता था, तो वो कपड़ा ही इस्तेमाल करते थे। उस दौरान क्या तकलीफें होती हैं? जांच कराएंगे। बातें हमारी हुई मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन पे, मैंने पढ़ना शुरू किया, सर्वेस पढ़ा, रिपोर्ट्स देखी, अपडेट हुई मैं, क्या डेटा है हमारे बिहार में, ग्रामीण क्षेत्रों का क्या डेटा है, शहर का क्या डेटा है। जो सबसे बड़ी समस्या थी वो थी बात करने की। जब आज से 5 साल पहले हम बात करने जाते थे, तुम्हें मासिक धर्म आता है, तो वो कहते आप कैसी बात करती हैं, ये भी बात करने की बात है। पहले तो लोगों को यह बताना जरूरी है होता है कि पीरियड्स आखिर होता क्या है, कैसे आता है, कितनी उम्र में हमें आता है, और उस दौरान हमें किस तरह से हमें पैड का इस्तेमाल करना चाहिए, जो कपड़ा अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी साफ सफाई वो रखते हैं या नहीं। जानता है बच्चा वो गलत जानता है, इसीलिए आपको बताने की और ज़रूरत है। उस टाइम जब वो गंदा कपड़ा यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि यूट्रस जो कि है उसका मुंह खुला रहता है। अगर हम गंदा कपड़ा या कोई भी चीज़ उससे गंदगी अपने उस जगह पर ले जाते हैं तो इन्फेक्शन सीधे सीधे बॉडी में एंटर कर जाता है, क्योंकि उस टाइम में हमारा जो ससेप्टेबिलिटी है बॉडी का वो बहुत बढ़ा हुआ रहता है, इम्यूनिटी कमज़ोर रहती है, तो इन्फेक्शन लगने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। पासबुक इशू करके हमने उनको देना शुरू किया है, तो इससे हमारे पास क्या हो रहा है कि काउंसलिंग के दौरान एक चीजें सामने आ रही हैं कि वो यूज कर रहे हैं, और यूज करने से आंकड़े क्लियर हो रहे हैं। अब से यूज करना है, ठीक है? तो देखा है तो लोग यूज नहीं करते, और करते भी हैं तो उनको सही जानकारी नहीं है कि उनको कितने घंटे बाद चेंज कर देना चाहिए। वो ये समझते कि अगर लगाया है तो जब तक ये खून से पूरा तरबतर नहीं होगा इसको नहीं चेंज करना, लेकिन ऐसा नहीं है। मे बी वो 4 ही घंटा हो, लेकिन अगर वो मतलब भर चुका है तो उसको चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा देर रखने से उससे भी बीमारी का खतरा है। साथ ही सैनिटरी पैड यूज़ करना तो ईजी है, लेकिन उसका डिस्पोज करना एक बड़ी जिम्मेदारी। तो मैंने समझा कि एक तो बताना है कि उनको सैनिटरी पैड यूज़ करना है, दूसरा ये भी बताना है कि उसको कैसे यूज़ करें और कैसे डिस्पोज करें, ताकि वो आने वाले समय में हमारे इन्वायरमेंट के लिए एक प्रॉब्लम न बने।